तो गूगल ने दो बिल्डिंग्स ले ली हैं बागमाने के टेक पार्क में ही। कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं थे, कुछ भी आपको पे नहीं करना होता। गूगल में सारा फूड इज टोटली फ्री, फ्रॉम कॉफी टू टी टू स्नैक्स टू एवरीथिंग। एंड इट्स रेडीमेड कॉफी, नहीं थी मशीन से नहीं निकल रही थी। देयर आर पीपल हु आर देयर टू सर्व यू। इसके साथ साथ एक और चीज काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जो जनरली किसी भी ऑफिस में नहीं होती। तो यहाँ पे स्पा रूम्स थे, जहाँ पे जाके आप एक्चुअली स्पा बुक कर सकते हैं एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स करा सकते हैं। रिसेंटली बैंगलोर में गूगल ने अपने दो नए ऑफिसेज ओपन करे हैं, नए बिल्डिंग्स में। बागमाने के पास ही हैं, बट दे आर टू न्यू ऑफिसेज एंड आई वॉन्टेड टू मीट अभिषेक बिकॉज उनके साथ में एक नई चीज़ करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सो आई वेंट टू द ऑफिस, ही शोड मी अराउंड एंड उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू हैव अ टूर ऑफ द न्यू गूगल ऑफिस एंड इसके साथ साथ मैंने अभिषेक के साथ थोड़ी चिट चैट भी करी थी, उसके बारे में भी आपको आगे पता चल जाएगा, वीडियो में उसकी क्लिप्स मिल जाएंगी, तो ध्यान से सुनना। तो उसमें अभिषेक ने बताया व्हाट अ डे लुक्स लाइक फॉर अ गूगल इंजीनियरिंग मैनेजर एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या क्या होता है एक दिन में व्हेन यू ट्रांजिशन टू अ मैनेजर, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर करियर। सो या ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, इसके साथ साथ एक फुल पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था, वो थोड़े टाइम बाद आने वाला है चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आल्सो। आल्सो वी हैव लॉन्च्ड द AlgoPress यूट्यूब चैनल, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 10,000 सब्सक्राइबर्स वहाँ पे, सो इफ यू हैव नॉट चेक इट आउट जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। उसकी लॉन्च वीडियो भी हम यहाँ पे मैं आई बटन में डाल दूंगा एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं गूगल ऑफिस एंड मीट अभिषेक आल्सो, ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग मैनेजर एट गूगल। काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, जल्दी से 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा बिकॉज अपेरेंटली ऑटोज अलाउड नहीं है बागमाने में, ये मेरे को नहीं पता था। वो देखो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, सो दिस इज द कोयोटो वेस्ट बिल्डिंग। अभी जल्दी से अंदर जाके एंट्री करते हैं एंड वील मीट अभिषेक। दिन तो गूगल ने दो बिल्डिंग्स ले ली हैं बागमाने के टेक पार्क में ही, एक का नाम है कोयोटो वेस्ट, एक का नाम है कोयोटो ईस्ट। दोनों बिल्डिंग्स की जो थीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं एंड हम कोयोटो वेस्ट वाली बिल्डिंग में गए थे। तो किसी भी गूगल ऑफिस को विजिट करने के लिए वट यू नीड समवन हु इज़ वर्किंग एट गूगल, वो आपको एज अ विजिटर बुला सकते हैं एंड कुछ नहीं करना होता वहाँ पे जाके, उनको बस आपके लिए एक विजिटर कार्ड प्रिंट करवाना होता है। अभिषेक ने वो मेरे लिए किया था एंड देन वी वेंट इनसाइड द ऑफिस। सबसे पहले जाके हमने लंच किया, लंच में इंडियन ऑप्शन थे, इसके अलावा एक सैलेड ऑप्शन था एंड इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी थे, लाइक काफ़ी सारे काउंटर्स थे, सो यू कैन चूज योर ओन मील। कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं थे, कुछ भी आपको पे नहीं करना होता। गूगल में सारा फूड इज टोटली फ्री, फ्रॉम कॉफी टू टी टू स्नैक्स टू एवरीथिंग। स्नैक्स वगैरह के बारे में आगे वीडियो में देख रहा होगा आपको, बट या एवरीथिंग वॉज टोटली फ्री। वी वेंट देयर, हैड लंच, काफ़ी टेस्टी लंच था एंड उसके बाद हमने गूगल ऑफिस टूर थोड़ा एक्सप्लोर किया। सबसे पहले हम गए इसके बाद म्यूजिक रूम में एंड भाई क्या बढ़िया म्यूजिक रूम था ऑनेस्टली। माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर और माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद वाला थोड़ा थोड़ा इससे छोटा था, बट दिस वॉज ह्यूज। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, मैंने ड्रम्स बजाने का ट्राई किया बट वहाँ पे जाके यार वो ऑन ही नहीं हुआ हमसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रम थे। हमने सोचा चलो छोड़ो चलते हैं, क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारे काम करने थे। जब मैं गूगल ऑफिस आया ना तो यहाँ पे मेरे को अपने कॉलेज के जूनियर्स मिल गए, सो से हाय। हाय, बता दो कौन से बैच के हो, क्या नाम है? 23 बैच मैंगोल। उसके बाद हम गए अलग अलग फ्लोर्स पे। सबसे पहले हमने चेक किया जिम एंड जिम भी काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी सारे मशीन्स वगैरह कम थी बट इन जनरल इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे थे जिसमें आप जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके बाद वी वेंट टू द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया में फिर आप जाके अपनी कॉफ़ी टी कुछ भी ले सकते हो, उसके साथ साथ कुछ स्नैक्स वगैरह और रखे होते हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड इट्स रेडीमेड कॉफ़ी, नहीं थी मशीन से नहीं निकल रही थी। देर आर पीपल हु आर देयर टू सर्व यू एंड एक कैफे था, लाइक गूगल में जनरली हर ऑल्टरनेटिव फ्लोर पर कुछ ना कुछ कैफे होता है जहाँ पर आप जाके डिफरेंट टाइप की कुजीन्स ट्राई कर सकते हो। जब हम गुड़गांव ऑफिस गए थे जब भी हमने देखा था कि हर 2-3 फ्लोर्स के बाद कोई एक नया कैफे आ रहा था एंड वहाँ पे हर कैफे की अलग अलग थीम थी। यहाँ पे भी सिमिलर ही था, हर 2-3 फ्लोर के पास कोई एक कैफे था एंड इस बार हम कैफे पे बैठे वहाँ पे हमने काफ़ी सारी बातें करी। गूगल में मोस्टली हर फ्लोर पे एक माइक्रो किचन होता है। माइक्रो किचन में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, जैसे आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं, स्नैक्स मिल जाते हैं, प्रोटीन बार्स मिल जाते हैं, इसके साथ साथ अगर आपको जूस पीना तो जूस मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं, टी कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाता है। सो एवरीथिंग इज़ टोटली फ्री, किसी भी चीज़ के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता एंड जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। इसके
साथ साथ एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी जो जनरली किसी भी ऑफिस में नहीं होती, यहाँ पे स्पा रूम्स थे जहाँ पे जाके आप एक्चुअली स्पा बुक कर सकते हैं एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स करा सकते हैं। एंड व्हेन आई आस्क्ड अभिषेक ही टोल्ड मी पहले सब फ्री होता था बट इट वॉज गेटिंग ओवर यूज्ड, तो गूगल ने इस पर छोटी सी एक फीस लगा दी। मेरे को लग रहा था कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं डिसकंटिन्यू हो गई हैं, बट ही टोल्ड मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ देयर एंड यू कैन स्टिल यूज़ ऑल दीज फैसिलिटीज़। इसके अलावा हर फ्लोर पर कुछ टीटी टेबल या फिर फूसबॉल ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, सो वहाँ पर जाके आप अपने आप टाइम पास कर सकते हो थोड़ा सा, जब बोर हो जाओ काम करके, स्ट्रेचिंग करनी है, अपने कलीग्स के साथ खेलना है तो वहाँ जाके आप खेल भी सकते हो। तो उसके बाद मेरे को इस दिन तो वापस जाना पड़ा घर, बिकॉज अभिषेक को काफ़ी सारी मीटिंग्स करनी थी, बींग अ इंजीनियरिंग मैनेजर मीटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, सो ही हैड टू गो टू वन मीटिंग एंड आई थॉट कि चलो वापस चलते हैं किसी और दिन आके मिलेंगे। तो हमने घूम लिया गूगल ऑफिस एंड वही काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें करी, मेट अ फ्यू NSIT जूनियर्स ऑल्सो जैसा अपने लोगों ने वीडियो में देखा। अब चलते हैं घर एंड या See you soon. Then after 1-2 days I went back and coincidentally हम दोनों ने same color की shirt t-shirt पहनी हुई थी। So इसके साथ एक और काफ़ी amazing announcement है, we are launching system design prep and अभी early bird offer चलेगा कुछ time के लिए because this is a pre-launch, proper launch अभी थोड़े time बाद आएगा। So the current price is 7499, prices will increase after some time। So ये वाला course अभिषेक पढ़ा रहे होंगे, he is currently working as a software engineering manager at Google, he has more than 9 years of experience, he has taught at Geeks for Geeks and Scaler। सो टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। ही स्टार्टेड फ्रॉम अ नॉन फैंग कंपनी, AIG करके कंपनी थी, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, अपना स्टार्टअप किया, उसके बाद वॉलमार्ट में भी काम किया एंड इसके बाद थोड़े टाइम फ्लिपकार्ट में काम किया एंड देन ही ज्वाइंट गूगल। सो इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। सो विद ऑल दैट एक्सपीरियंस ही हैज़ मेड अ प्रॉपर 3 months करिकुलम जहाँ पे आपको HLD प्लस LLD पढ़ाया जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स लॉन्च वीडियो में आप देख सकते हैं, दिस वाज अ प्री लॉन्च। अब चलो अभिषेक से थोड़ी बातें करते हैं एंड या विल गेट बैक। सो अभिषेक, अभी आप एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर काम कर रहे हो गूगल में, सो हाउ डज योर डे लुक लाइक? जैसे हम बहुत डे इन द लाइफ वीडियो देखते हैं, मैंने भी बहुत सारी बनाई है, उसमें से 70% थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखाते हैं कि ऐसा रोज होता नहीं है, कभी कभी तुम ज़्यादा काम कर रहे होते हो, कभी कभी कम काम कर रहे होते हो, कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, कभी मीटिंग ज़्यादा होती हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन डे टू डे। But like on an average, how's your day look like? अरे थोड़ा सा सवाल चेंज करूँगा, मैं वीक लेवल पे गप्पे मारूंगा बिकॉज काफ़ी कुछ मैंने उसके हिसाब से बैलेंस किया है। बट नॉर्मली बहुत टाइम मेरा भी मीटिंग्स में जाता है, एज अ मैनेजर मैं मीटिंग से साइड नहीं निकल सकता हूँ बहुत ज़्यादा, तो यू कैन से ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ माई टाइम जो है मीटिंग और ईमेल्स और चैट पे निकल जाता है, क्योंकि मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हूँ बहुत से चीज़ों का, राइट? ठीक है, तो उसके लिए अपडेटेड रहना एंड कॉट अप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सो नाउ कम्स द पीपल मैनेजमेंट एंड द टेक पार्ट। ऑब्वियसली मैनेजर हूँ, पीपल मैनेजमेंट तो करना ही है, तो आई मोस्टली सिंक अप विथ माई टीम मेम्बर्स एवरी वीक फॉर अ वीकली 1-on-1। कुछ लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है, बट मेरा ये मानना है कि कोई प्रॉब्लम हो तो इससे पहले कि वो ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, बिकॉज मैं एक महीने बाद किसी से गप मार रहा हूँ, ईजी है कि हर हफ्ते लोगों से गप्पे मारो एंड तुमको प्रॉब्लम्स अपने आप बहुत जल्दी दिख जाएंगे, तुमको वेट नहीं करना होगा और right. वो खौफ भी खत्म हो जाता है, यू नो, खास करके जो नए लोग होते हैं टीम में उनको मैनेजर से ज़्यादा डर लगता है, तुम जब रेगुलरली अवेलेबल होते हो तो उनको भी मिल जाता है, तो हर हफ्ते थोड़ा टाइम तो पीपल मैनेजमेंट में और वीकली 1-on-1 और ये सब में जाता है, राइट? एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है डिज़ाइन डॉक्स के ऊपर, बोथ लिखने में भी और रिव्यू करने में बहुत से, बिकॉज टीम है ऑलमोस्ट हर का डिज़ाइन डॉक मेरे पास आता है, इंक्लूडिंग पार्टनर टीम्स का भी, तो काफ़ी टाइम जाता है डिज़ाइन डॉक रिव्यू करने में, जो कि काफ़ी मज़ेदार काम है बिकॉज इट उसके कारण से मेरा टेक नहीं छूटता है, आई एम ऑलवेज इन द डिज़ाइन डिस्कशंस और विथ एवरी पासिंग डे मेरा सिस्टम डिज़ाइन उसके कारण से और इम्प्रूव कर रहा है, बिकॉज अब बहुत कुछ है जो पहले नहीं सीखा था, अगर बुक में पढ़ा भी था तो उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा था, अब वो सब देखने का और यू नो नॉट जस्ट देखने का, उस पर कमेंट करके कि ये क्यों गलत है, इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो बताने का मौका मिलता है, तो धीरे धीरे आई कैन फील कि मेरा भी टेक लेवल इसके साथ साथ इम्प्रूव कर रहा है एंड दिस इज अ प्योर बोनस, ये मैंने सोचा नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था कि ये करने का मौका मिलेगा, जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आई स्टिल ट्राई टू कोड बट बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं प्राइमरली बिकॉज बहुत कम टाइम बचता है इन सब के बाद, पीपल मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट,
doesn't look like it jab tak manager na bano, but it is kafi difficult for sure. To ha, most of the day I think 40% into meetings and emails and stuff, and then 30% in people management and design docs, etc. Got it. And jab aap bhi college mein hoge to Google ek would was your dream for sure, ki pehle to India mein hire bhi nahi karta tha jab aapne graduate kiya, but jab bhi aapne dekha ki ha Google India mein aa gaya hai to ek hoga. So how does it feel to be a like Google engineering manager at this point? Quite good. So not just college, right? जब मैंने startup बंद किया और apply करना शुरू किया था तो मैं cover letter हर company के लिए लिखता था because मैं बहुत specific team में apply करता था पूछ के and पता करके. तो मैंने almost सब company booking.com, Flipkart, Amazon और Apple चारों के लिए cover letter लिखा था. जब बारी आई थी Google के लिखने की तो मेरे cover letter में एक question था, why Google ?? वो भर ही नहीं पाया. इतना प्यार, मतलब ड्रीम हमेशा से था, एंड चूंकि इंडिया में बहुत कम प्रेजेंस था तो वो फियर फैक्टर उसके साथ बढ़ गया था, यू नो, कि बहुत कम लोगों का होता है जाके. तो मैं कुछ हाईफाई लिखने का सोच रहा था और वो हाईफाई मिल ही नहीं रहा था और उस अटेम्प्ट में मैंने अप्लाई ही नहीं किया. इट वॉज प्योर लक कि एक गूगल रिक्रूटर ने किसी तरह मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल नोटिस किया, मैसेज किया, एंड फिर वो कॉन्फिडेंस है कि ओके चलो ये सामने से अगर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं मीन्स आई एम वर्दी. अब मैं इसका कवर लेटर दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ और सेकंड अटेम्प्ट में लिख दिया था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हो पाया था बिकॉज वो ये ना डर आ जाता है अपने अंदर से. फ्रॉम देयर टू एक्चुअली वर्किंग इन गूगल काफ़ी अच्छा है, मतलब घर वाले तो बहुत ही खुश हैं इस न्यूज़ से. साथ ही साथ अंदर में भी ना काम करना इज़ वेरी चैलेंजिंग, मतलब यू आर नाउ वर्किंग ऑन सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और लोग भी बहुत अच्छे हैं. इम्पोस्टर सिंड्रोम खुद ब खुद अंदर आता है निकल के, तो इट्स फन. लेकिन अभी कुछ समय पहले एक दूसरे पॉडकास्ट में किसी ने पूछा था एक साल गूगल में हो गया तो कैसा लग रहा है, तब जब मैं रिकैप कर रहा था ना तब मैं रियलाइज की कितना कुछ सीख लिया है पिछले एक साल में जो मैं पहले नहीं करता था. और साथ ही साथ लैंग्वेज भी बदल गया है, अब मैं प्रॉपर गूगल के वर्ड्स यूज़ करने लगा हूँ बाहर के कन्वर्सेशंस में भी, जो मैं पहले बहुत नहीं करता था. मैं काफ़ी कैजुअल और चिल आउट पर्सन की तरह गप्पे मारते रहता था, तो इट्स बीन फन ओवरऑल. And I think learning तो बहुत ही steep हाई है यहाँ पे. Join करने के बाद से अभी तक मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया है. Got it. So we have launched our HND LLD course with Abhishek and वो सब की details आपको description में मिल जाएंगी. This is sort of a pre-launch, proper आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा. But yeah, if you are interested, you can definitely check it out. algoprep.in पर मिल जाएगा. And yeah, thank you so much Abhishek. Thank you for showing me the office. मैंने अभिषेक के साथ last इसी week 2-3 दिन पहले office भी tour किया था उनका वाला. एंड इसके साथ भी थॉट की थोड़ा बातें भी करके ऐड करते हैं वीडियो में. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. एसडीए इंटरव्यू प्रेप कोहोर्ट 2.0 अभी भी एनरोलमेंट्स ओपन है, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट, जाके एनरोल कर सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.